हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीत सर। आज फिर हम क्लास 10 की केमिस्ट्री का जो दूसरा चैप्टर है उसको हम लेकर गए हैं, जिसमें आपको ये चैप्टर जो है वो एसिड बेस एंड सॉल्ट्स है। इसमें इससे पहले आपने एसिड के बारे में जान लिया था, बेसिस के बारे में जान लिया था, और आज हम एसिड को लेकर के नहीं बल्कि बेस को लेकर के भी नहीं, आज सोल्ट को लेकर। तो आज सोल्ट के बारे में हम लोग जानने के लिए चलेंगे। उससे पहले आप जान लेते हैं कि सोल्ट जो है उसका जो फॉर्मेशन होता है, उससे पहले जो आपके पास जो जरूरी चीजें हैं वो आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में है, जिसमें आपको जानना है सबसे पहले यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज क्यों किया जाता है, कैसे। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूज को जानेंगे, उसके बाद क्लोरीन के यूज को जानेंगे, फिर हाइड्रोजन के यूज को जानेंगे, और लास्ट में हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में भी जानेंगे। तो ये सब चीज को जानने की आवश्यकता इसीलिए होती है कि जो सोल्ट का जो फॉर्मेशन होता है वह फॉर्मेशन में इन सभी चीजों की आवश्यकता होती है, और इसको एज ए सोल्ट के रूप में भी यूज किए जाते हैं, इसीलिए इसको हम लोग इसके यूज को जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो टॉपिक्स है उस टॉपिक्स को, फर्स्ट वाले को मैंने आपको बता दिया। सेकेंड टॉपिक्स आपके पास है वॉशिंग सोडा। अब यहां पर वॉशिंग सोडा पर बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं, या एडिशनल अगर आप किसी चीज की तैयारी भी करते हैं तो उसमें भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से जैसे कि आपके पास क्या दिया गया है, वॉशिंग सोडा का उसका कॉमन नेम क्या होता है, तो जान रहे हैं कि वॉशिंग सोडा यानी कि धोने वाला सोडा बोलते हैं, यानी धोवन सोडा। फिर उसके बाद होता है कि उसका केमिकल नेम क्या होता है, तो अधिकांशतः क्वेश्चन में केमिकल नेम्स के बारे में पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। जो अधिकांशतः सोल्ट है उन सोल्ट में आपके पास केमिकल नेम अगर आपके पास नहीं है तो वो आपका माइनस पॉइंट, ठीक है। तो यहां पर केमिकल नेम के बारे में भी हम आपको बताएंगे, और उसका नामकरण कैसे करते हैं उसके बारे में भी हम आपको बता देंगे। तो यहां पर वॉशिंग सोडा का जो केमिकल नेम है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। आगे फिर उसका केमिकल फॉर्मूला, तो केमिकल फॉर्मूला में आप देख रहे हैं Na2CO3 × 10H2O, ठीक है। उसके बाद ये वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्शन होता है, वो कैसे होती है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, और उसके बाद इसके प्रॉपर्टीज को जान करके उसी में हम लोग इसके यूज को भी जानेंगे। तो आज हम लोग केवल इतना ही सोल्ट्स में पढ़ने के लिए चलेंगे, इसके बाद आगे आपके पास बहुत सारे सोल्ट्स हैं जिसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर। अब यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसका यूज कहां कहां होता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसका यूज सबसे पहले हम लोग साबुन बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में करते हैं। अगर आप साबुन का निर्माण करते हैं तो साबुन बनाने में भी आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करेंगे। उसके बाद अगर सर्फ, डिटर्जेंट करने का मतलब सर्फ, जो हमारे घरों में यूज किए जाते हैं, तो उस सर्फ के निर्माण में भी इंडस्ट्रियल एरिया में क्या किया जाता है, यूज किए जाते हैं। दूसरा होता है कि फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो यूज होता है यहां पर टेक्सटाइल, टेक्सटाइल कहने का मतलब धागे वगैरह जो निर्माण किए जाते हैं, जहां पर फाइबर टू फैब्रिक्स किए जाते हैं, ठीक है, यानी कि छोटे छोटे रेशों से जब कपड़े बनाए जाते हैं तो उन कपड़ों के निर्माण में भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, ठीक है। फिर आपके पास तीसरा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूज में, कि जब आप पेपर का निर्माण करते हैं, यानी कि पेपर में, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर में भी इसका यूज किया जाता है, यानी कि पेपर को क्लीनिंग करने के लिए, उसको फुल्ली तरीके से व्हाइट करने के लिए। आप देखे होंगे A4 साइज के पेपर को जो पूरा का पूरा व्हाइट होता है, ठीक है, छोटे से भी धब्बे आपको उस पर आसानी से दिखाई देते हैं, तो ऐसे पेपर के निर्माण में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। दूसरा होता है कि एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम आप जान रहे हैं अ टाइप ऑफ मेटल है,
उस मेटल का यूज बड़े पैमाने पर हमारे घरों में, हमारे आसपास बहुत सारी चीज बनाने में भी किए जाते हैं। जैसे कि हमारे घरों में बहुत सारे बर्तन जो होते हैं वो एल्युमिनियम की बनी हुई होती है, क्योंकि एल्युमिनियम जो है वह मेटल है। तो इस मेटल का जो निष्कर्षण होता है, एक्सट्रैक्शन होता है, वह एक्सट्रैक्शन के लिए आपके पास एक फोर्स होनी चाहिए। वह फोर्स क्या होता है? बॉक्साइट। अब याद रखेंगे कि एल्युमिनियम किस ओर से निकाले जाते हैं, ठीक है? तो बॉक्साइट एक ओर्स होता है जो जमीन के अंदर से, जैसे कोयले निकलते हैं, लोहे के टुकड़े निकलते हैं, इस प्रकार से बॉक्साइट भी हमारे भूपरपट्टी से निकलते हैं। तो बॉक्साइट से जिस समय एल्युमिनियम को निकाला जाता है उसमें भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है, समझ गए? फिर आपके पास ये लास्ट है जो हम आपको बता रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वह किसमें किया जाता है, तो विभिन्न प्रकार के जो तेल होते हैं, तेल जैसे कि सरसों के तेल आप देखते होंगे कि आपके मार्केट में मिलते हैं सरसों के तेल, या सरसों का तेल होता है, या फिर रिफाइनरी जहां पर कि पेट्रोलियम क्रूड ऑयल का रिफाइन किया जाता है, तो उसमें भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। तो आपने देखा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होती है वह बहुत ही उपयोगी होता है, इसका उपयोग हम एज ए सोल्ट के रूप में करते हैं, ठीक है? फिर हम आपको बता दें, अंडरलाइन करते चले, कि आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसका यूज बता दिया। अब है आपके पास क्लोरीन। अब क्लोरीन के बारे में जानते हैं, क्लोरीन आप जान रहे हैं लेबोरेटरी में क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन का यूज अगर सोडियम के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो आपके पास कॉमन सोल्ट प्राप्त होता है, यानी कि कॉमन सोल्ट बनाने में लेबोरेटरी में, साइंस लेबोरेटरी में कॉमन सोल्ट को अगर हमें प्रोड्यूस करना है, फॉर्म करना है, तो आपके पास क्लोरीन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, यानी कि क्लोरीन का यूज कॉमन सोल्ट बनाने में किया जाता है। फिर होता है कि क्लोरीन जो होता है वह ड्रिंकिंग वाटर, आप देखे होंगे आपके घरों में आरओ अगर लगी हुई है तो उसमें एक सिलेंडर होता है जिसमें क्लोरीन गैस भरी हुई है, वह क्लोरीन गैस का यूज इसमें क्यों किया जाता है, यह भी एक क्वेश्चन है कि किसी भी वाटर को अगर प्यूरिफाई किया जाता है तो उसमें क्लोरीन गैस को क्यों करते हैं यूज। इससे पहले भी मैंने आपको बहुत सारी चीजों के बारे में बताया था जिसको कि हम यूज करते हैं तो उसके यूज से बहुत सारे जर्म्स मर जाते हैं। हम आपको क्लू दे रहे हैं कि अब क्लोरीन को हम क्या कहते हैं, क्लोरीन जो बहुत सारे जर्म्स यानी कि रोग उत्पन्न करने वाले जो जीवाणु होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसको वह मार देता है। तो क्लोरीन को हम क्या कह सकते हैं, इसको हम डिसइंफेक्टेड एलिमेंट्स भी बोलते हैं। आप लोग क्लास टेंथ में है तो क्लास टेंथ में जब पीरियडिक टेबल में जब आप जाएंगे तो वहां पर पूछा जाता है कि मोस्ट ऑफ द डिसइंफेक्टेड एलिमेंट्स इन दिस पीरियडिक टेबल, तो सबसे ज्यादा डिसइंफेक्टेड एलिमेंट्स कौन से, तो उसमें हम लोग जो कॉमनली रूप से सबसे ज्यादा यूज करते हैं उसमें क्लोरीन आता है। तो यहां पर डिसइंफेक्टेड के रूप में भी हम लोग क्लोरीन का यूज करते हैं, ठीक है? आगे कि अगर कहीं आप देखे होंगे कि बहुत बड़े बड़े शहर में स्विमिंग पूल होते हैं, तो स्विमिंग पूल जो होता है उसमें पानी स्टे होते हैं, तो स्टे पानी में भी सबसे ज्यादा जर्म्स उत्पन्न होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो लाइकेन सेवा दोनों, यानी कि अलगी और लाइकेन दोनों उत्पन्न हो जाते हैं, तो उसको भी खत्म करने के लिए स्विमिंग पूल में क्लोरीन का यूज किया जाता है, ठीक है? आगे है आपके पास कि क्लोरीन का यूज हम लोग ब्लीचिंग पाउडर, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था इसे फर्स्ट वाले वीडियो में कि ब्लीचिंग पाउडर को अगर बनाना होता है तो उसमें भी क्लोरीन का यूज करते हैं। तो यहां आप देख रहे हैं कि ऐसे सोल्ट के रूप में या फिर सोल्ट के फॉर्मेशन में बहुत सारे एलिमेंट्स का हम लोग यूज करते हैं जिसमें से आपके पास एक क्लोरीन। तो आपने क्या किया कि क्लोरीन का यूज ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया है। फिर होता है क्या कि आप देखे होंगे कि आपके घर में बिजली तो है,
पंखा चलाते ही होंगे। अब पंखा जब चलते हैं तो पंखा के अंदर के कुछ वायर को आप जाकर के देखें, उस वायर में आप जाकर के देखेंगे तो वह वायर ऊपर से एक पतली प्लास्टिक कवर से ढकी हुई और वह जो कवर होता है वह क्या होता है, हल्के पीले गुलाबी रंग के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीवीसी बोलते हैं, यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है उसका ऊपर से लेप चढ़ा हुआ होता है जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी कि वो शॉर्ट सर्किट होने से बचाता है। तो जितने भी वायर आप पंखे में वायरिंग का काम करते हैं, मोटर में वायरिंग का काम करते हैं, डायनमो में वायरिंग का काम करते हैं, तो यहाँ पर जो भी यंत्र बनाई जाती है उसमें अगर आप ट्रांसफार्मर वगैरह में भी आप देखेंगे तो उसमें पीवीसी कोटेड वायर का ही यूज किया जाता है। तो उस पीवीसी के निर्माण में क्लोरीन का यूज, तो आपने जाना कि पीवीसी के निर्माण में भी क्लोरीन का यूज हो रहा है। फिर उसके बाद है आपके पास कि बहुत सारे इंडस्ट्रियल स्टेट्स में जो टेक्सटाइल स्टेट्स होते हैं उसमें कपड़ों को रंग देना है, तो उनके स्पेसी कलर के लिए, ताकि जिस समय हम अगर वाश करते हैं तो वह कलर निकल ना जाए, यानी कि उसको रोकने के लिए भी क्या किया जाता है, क्लोरीन का यूज किया जाता है। कुछ ऐसे पेंट जो होते हैं, पेंट का भी निर्माण क्लोरीन के यूज से किया जाता है। तो आपने क्लोरीन के बारे में जान लिया, क्लोरीन का यूज जान लिया। अब है आपके पास क्या, हाइड्रोजन। अब यहां है आपके पास हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन भी ऐसे सोल्ट के रूप में यूज किए जाते हैं। तो यहां पर हम हाइड्रोजन के बारे में आपको बता देते हैं कि हाइड्रोजन जो होता है वह वास्तव में हाइड्रोजनेशन की जो प्रोसेस होती है, हाइड्रोजनेशन कहने का मतलब यहां है कि किसी भी ऐसे सॉल्यूशन, ऐसे लिक्विड्स जिसमें कि हाइड्रोजन होते हैं, उसमें से हाइड्रोजन को प्रेशर को कम करके और टेम्परेचर को भी कम करके उसको सॉलिड फॉर्म में निकालते हैं, या किसी सॉलिड से हाइड्रोजन को निकालने की जो क्रिया होता है उसी को हम लोग हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। बात समझ में? तो यहां पर हाइड्रोजनेशन कहने का मतलब दोनों से है, लेकिन मेरा यहां समझाने का मतलब यह है कि किसी सॉलिड क्रिस्टल्स से हाइड्रोजन को एक्सक्रीट करने की क्रिया जो होती है उसको हम हाइड्रोजनेशन, ठीक है। तो हाइड्रोजनेशन के माध्यम में ही हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। फिर है आपके पास कि हाइड्रोजन का जो यूज होता है अधिकांशतः हाइड्रोजेनेटिक, अब ये हाइड्रोजनेशन को खत्म कर रहे हैं, हाइड्रोजेनेटिक वनस्पति घी जिसको हम लोग डालडा के नाम से जानते हैं उसको सुरक्षित करने के लिए हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। अगर डालडे में हाइड्रोजन की मात्रा को कम कर दी जाए या फिर उसकी मात्रा को ज्यादा कर दिया जाए तो यहां पर क्या होता है कि वो डालडे अगर कम होते हैं तो बदबूदार हो जाते हैं। ऐसे भी होते हैं कि जैसे आप डालडा को बहुत दिनों तक आप रख दें तो हाइड्रोजन जो होता है वो गैसियस फॉर्म में होता है और ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद उस डालडे से निकल जाते हैं, तो आप देखेंगे तो वह जो तेल होता है उस तेल की जो सेंट होंगे, स्मेल जो होंगे वो चेंज कर जाते हैं, यानी कि बदबूदार होने, यानी कि आपको वो पसंद नहीं आएगा। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस के द्वारा, हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस के द्वारा वनस्पति घी यानी डालडा और कुछ तेलों को सुरक्षित किया जाता है, यानी हाइड्रोजन को एक संरक्षक के रूप में, प्रिजर्वेशन प्रिजर्वेटिव के रूप में भी यूज किया जाता है। फिर है आपके पास हाइड्रोजन का जो अगला है उसमें आपके पास क्या है कि एक एसिड होता है जिसका निर्माण, ऐसे तो हम एसिड के बारे में आपको बताए हैं कि हाइड्रोजन आयन सब में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन केवल एक एसिड है जिसको हम बोलते हैं क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो डायरेक्ट वे में क्लोरीन से रिएक्शन करके उसको वह बनाता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अगर फॉर्मेशन करना है तो हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। फिर आपके पास कि हाइड्रोजन का जो यूज होता है यहां पर सबसे ज्यादा हम लोग फर्टिलाइजर्स में,
जो फार्मर के उपयोग के लिए होते हैं, फर्टिलाइजर्स के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। फिर आ गया है कि हाइड्रोजन का जो यूज होता है वह थोड़ा सा लग रहा होगा आप लोगों की बोरिंग हम कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि हाइड्रोजन का यूज दारू बनाने में भी किया जाता है। तो कुछ आप लोगों को मनोरंजन लगा नहीं, क्योंकि दारू को पीना सबसे लिए क्या होता है, हानिकारक है या लाभदायक है, तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि वो हानिकारक होता है। उसमें हाइड्रोजन आपके शरीर में जाते हैं, कुछ कार्बन भी आपके शरीर में जाते हैं, और वो डायरेक्ट वे में आपके लीवर और किडनी को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो होता है वह मेथेनॉल मेथेनॉल के उत्पादन में भी इसका यूज किया जाता है। आगे फिर कि हाइड्रोजन जो होता है कुछ रॉकेट वगैरह उसमें फ्यूल्स के रूप में यूज किया जाता है। तो आपने हाइड्रोजन का भी यूज जान लिया। अब है आपके पास लास्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहां पर ये आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वह किसी भी मेटालिक सीट को, मेटालिक सीट जो मेटल के होते हैं उसको क्लीन करने में इसका उपयोग किया जाता है, इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। फिर आपके पास क्या है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग अमोनिया जो गैस उसको निर्माण करने में भी किया जाता है। फिर होता है कि बहुत सारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग बहुत सारे मेडिकल के क्षेत्र में भी किया जाता है, यानी कि मेडिसिन बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। आप देखेंगे कि बहुत सारे दवाई उसमें आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ दूसरे कंपाउंड और एलिमेंट को मिलाकर उसमें आपके कंपोजिशन में आपको दिखाई देगा, उसमें आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड निश्चित रूप से मिलेंगे हर दवाई लग। तो मेडिसिन में भी, मेडिसिन का जो इंडस्ट्रियल स्टेट होता है उसमें भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज किया जाता है। फिर अगर आप किसी टेक्सटाइल में, जो मैंने अभी आपको बताया कलर के लिए, तो जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं, तो सिंथेटिक फाइबर को कलर देने के, डाई करने के लिए भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज किया जाता है। तो यहां तक आपने देखा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन, क्लोरीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इन सभी के यूज के बारे में आप जान चुके थे। तो अब अगले टॉपिक को फिर लेकर के आते हैं। तो आपकी अगली टॉपिक जो है वो है आपके पास वाशिंग सोडा। अब वाशिंग सोडा पर मैंने आपको बहुत सारे चीज बताए थे क्वेश्चंस के बारे में। वाशिंग सोडा के लिए आपको, जैसे एक मिनट के लिए हम आपको बताएं कि आपको दे दिया जाएगा डिहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ डिहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट? अब यहां पर कॉमन नेम पूछा जाएगा तो आपको तो याद नहीं अगर रहेगी तो वहां पर तो आप फंसेंगे। तो इसका जो कॉमन नेम होगा उसका आंसर क्या हो जाएगा, वाशिंग सोडा। सिंपल, ओनली वन वर्ड फाइव क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर उसी तरीके से अब फिर आपसे पूछ देगा व्हाट इज द या नेम द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाशिंग सोडा। अब केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाशिंग सोडा पूछेगा तो वहां पर आपको क्या बताना होगा, तो आप देख रहे हैं कि केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाशिंग सोडा क्या है, Na2CO3 × 10H2O। तो ये आपका क्या हो जाएगा, केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा। तो आपने इसको समझ लिया होगा कि क्वेश्चन कैसे आपसे पूछे जाए, किस तरीके से आपको इसका आंसर भी देना। तो यहां तक आपका क्लियर हो जाता है। फिर हम आपको लेके चलते हैं प्रोडक्शन ऑफ वाशिंग सोडा। तो प्रोडक्शन ऑफ वाशिंग सोडा में अब हम लोग चलेंगे। तो प्रोडक्शन ऑफ वाशिंग सोडा को अब हम लोग देख लेंगे। तो यहां हम आपको इंडिकेट्स करेंगे कि कुछ चीजें जो होती है, जो इस केमिकल रिएक्शन में जो इक्वेशन दिए गए हैं, उस केमिकल रिएक्शन में जब हम बोलेंगे तो आपको समझ में नहीं है।
तो यहां हम आपको सबसे पहले जो इसका लिखने का जो तरकीब है, यदि आपको पूछा जाता है क्वेश्चन के तौर पर कि हाउ डू वी ऑब्टेन वॉशिंग सोडा इन लेबोरेटरी, ये क्वेश्चन है, या डिफाइन द डिफरेंट या एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वॉशिंग सोडा, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो मैंने आपको अभी बताया कि क्वेश्चन जो अगर वॉशिंग सोडा फॉर्मेशन प्रिपेरेशन या फिर वॉशिंग सोडा को बनाने की जो क्रिया अगर पूछी जाती है तो उसका डिस्क्राइबेशन कैसे करें, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको लैंग्वेज में लिखना होगा द सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विद अमोनिया विद द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देन दे फॉर्म सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड, राइट। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप में लिखना होगा, और उसी स्टेप में जब आप इतनी बातों को लिख देते हैं तो लिखने के बाद आपके पास ये केमिकल फॉर्मूला आपको डालने पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर आपको हम 2 मिनट के लिए स्टे करना चाहेंगे, समझाना चाहेंगे कि वह स्टेइंग में क्या होता है कि मैंने अभी आपको बोला कि सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का तो सॉल्यूशन मैंने यहां पर कुछ बताया नहीं है, यहां तो केवल मैंने क्या दिया है आपके पास NaCl, तो NaCl मतलब क्या, नमक, और नमक जो होता है वह सॉल्यूशन के फॉर्म में नहीं होता है बल्कि क्रिस्टल फॉर्म में होता है। तो मैं आपको यहां पर इंडिकेट कर रहा हूं कि जब आप सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बताएंगे तो वहां पर आपको ये दोनों दिखाने हैं, यानी कि तो NaCl और H2O, ये अगर केवल हमको सॉल्यूशन को दिखाना है तो सॉल्यूशन को दिखाने के लिए आपको क्या करना होगा, NaCl प्लस H2O, ये जो होगा या क्या हो जाएगा, ब्राइन होगा, यानी कि नमक का जो सॉल्यूशन होता है, नमक की जो शरबत होती है वह क्या कहलाता है, ब्राइन कहलाता है, और वह किस प्रकार का सॉल्यूशन होता है, तो कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड कहने का मतलब यहां पर कि वह सेचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो यह सेचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है सोडियम क्लोराइड, उसका जब हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, तो अमोनिया के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तब वह फॉर्म क्या करता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनिया क्लोराइड, यानी कि अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। अब यहां पर हमको देखना है कि क्या हमारा इक्वेशन बैलेंस है। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हमारा इक्वेशन बैलेंस है, तो बैलेंसिंग करने के लिए हमको क्या करना होगा कि एरो के टेल की तरफ कि जितने भी एलिमेंट के एटम हैं वह एरो के हेड की तरफ के सभी एलिमेंट के एटम इक्वल हैं, तो इसको हम इक्वल करने की कोशिश करेंगे, और इक्वल करने के बाद ही यह क्या हो जाएगा, इक्वेशन आपका एक्यूरेट सही मानी जाएगी, अन्यथा यह गलत, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि यहां पर दोनों तरफ में यह क्या इक्वेशन बैलेंस है, तो करके देख लेते हैं। यहां पर हम Na को देखें तो Na वन एटम, तो हम ब्लैक से इसको इंडिकेट करते हैं आपको समझाने के लिए कि किस किसका इक्वल हो जाता है, तो Na Na इक्वल है, चलिए खत्म। Cl Cl वन Cl भी इधर वन, बाकी किसी में नहीं है और न ही इसके एटम के नंबर को और ज्यादा किया गया, तो सीएल भी आपका क्लियर, तो सीएल भी क्लियर, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है NH3। अब सबसे पहले हम इसमें से नाइट्रोजन को ले लेते हैं, तो नाइट्रोजन आपका वन, नाइट्रोजन भी वन, क्लियर, ये भी इक्वल। फिर अब आपके पास आते हैं क्या, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को देखें तो टोटल हाइड्रोजन जो इस तरफ है वो सबको एक साथ कंसिस्ट कर देते हैं, यानी कि जमा कर देते हैं, यानी कि 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन,
टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गए? 5 हो गए। तो अब हमको इधर भी 5 पूरा कर देना है, तो 4 हाइड्रोजन यहां हो गए और 1 हाइड्रोजन यहां हो गए, यानी कि ये भी 5। यानी एरो के टेल की तरफ जो भी ब्लैक से इंडिकेट किया गया है वो सब क्या हो गए? अब इक्वल हो गए हैं। ठीक है, अब आपके पास क्या आता है? कार्बन। तो कार्बन को देखें, कार्बन वन एटम, कार्बन वन एटम, ये भी क्लियर, यानी कि ये भी बैलेंस है। ऑक्सीजन को देखते हैं, तो ऑक्सीजन 2 एटम्स और 1 एटम्स, टोटल नंबर कितने हो गए? 3। तो यहां पर देखिए ये भी 3 है, यानी कि हमारा ये इक्वेशन करेक्टली बैलेंस है, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार के मॉलिक्यूल को बढ़ाने की जरूरत नहीं होगी। क्लियर। अब चूंकि हम इस इक्वेशन को क्यों बनाए थे कि हमें ब्लीचिंग पाउडर सॉल्ट में वाशिंग सोडा बनाना, सोल्ट में वाशिंग सोडा बनाना, तो वाशिंग सोडा बनाने के लिए अब हम लोग क्या करते हैं कि जो केवल वाशिंग सोडा का प्रोडक्ट है केवल उसी कंपाउंड को हम बाहर करते हैं। तो आपके लिए वाशिंग सोडा का जो प्रोडक्ट है वो केवल इसमें, बाकी किसी में नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको बाहर कर लेते हैं और फिर सेकेंड स्टेप में जाते हैं, यहां फिर लेबोरेटरी में सेकेंड स्टेप को करने के लिए चलेंगे। तो सेकेंड स्टेप में आपके पास क्या आता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तब वह डिकम्पोज हो जाएंगे, यानी कि यहां पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। ठीक है, तो यहां पर यह क्या होता है, हीट करने के बाद वह क्या कर जाएगा? डिकम्पोज कर जाएंगे। अब यह डिकम्पोज होने की स्थिति में, डिकम्पोज होने की स्थिति में क्या बनाएगा? सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करेगा और H2O को गैसियस फॉर्म यानी वेपर्स के रूप में वो निकाल। अब यहां पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन में अब आपके पास क्या आ जाते हैं? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट यहां पर डिकम्पोज कर जाते हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि यह जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है यह इस रिएक्शन में आपको किस फॉर्म में आएंगे? सॉलिड फॉर्म में आएंगे। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्शन के फलस्वरूप प्रेसिपिटेट यानी कि सॉलिड फॉर्म में वो आपको प्राप्त होते हैं। जब आप इसको हीट करेंगे तो हीट करने के बाद ये बिखर जाएंगे, यानी कि पाउडर के रूप में आपको आएंगे, जिसका क्रिस्टल आप आसानी से अपने हाथों पर देख सकते। तो यहां पर डिकम्पोज करने के बाद अब हम आपके पास आते हैं, तो इसमें से ये गैसियस फॉर्म है ये भी खत्म, ये गैसियस फॉर्म ये भी खत्म। अब आपके पास जो केवल पाउडर के फॉर्म में आएगा वो क्या आएगा? सोडियम कार्बोनेट। अब इस सोडियम कार्बोनेट को लेकर के हम क्या करेंगे? वाटर से रिएक्शन करा देते हैं। आप यहां पर देख रहे हैं कि इसको हम वाटर से रिएक्शन करा देते हैं। तो वाटर की जो मॉलिक्यूल्स की जो नंबर होते हैं, वाटर की जो मात्रा होती है उसको यहां पर हम ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, जैसे ही आप वाटर की संख्या को यहां पर ज्यादा यूज करते हैं तो आपके पास वाशिंग सोडा। अब यहां पर वाशिंग सोडा से पहले हम लोग इस रिएक्शन को क्या कर लेंगे? बैलेंस करेंगे। उससे पहले इसके रिएक्शन को लिखने से पहले आप सेकेंड स्टेप में लिखेंगे कि व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीट देन दे डिकम्पोज इनटू द फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। राइट, उसके बाद आप इसको लिखते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्या करने, तो बैलेंस करने के लिए चलते हैं। तो बैलेंसिंग के लिए अब हम देखेंगे कि इसको क्या करना है। तो देखिए, हम इसको बैलेंस करने के लिए हम जो आपको यहां पर घेरा लगाया है उसको हम मिटा देते हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, अब यहां देखिए बैलेंसिंग कैसे करते हैं। सोडियम नंबर ऑफ एटम 1,
किधर? प्रियक्टेंट की तरफ, यानी टेल ऑफ एरो की तरफ। आपके पास सोडियम कितने हैं? एक। दूसरी तरफ कितने हैं? दो। तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें टू से मल्टीप्लाई करेंगे। अब चूंकि रिएक्टेंट एक ही है तो अब इसको बराबर करने की कोशिश करते हैं। अगर बराबर हो जाती है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं होती है तो फिर इस नंबर को हम और बटा दें, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि सोडियम हमारे पास, क्योंकि यह टू पूरे के साथ मल्टीपल हो जाएंगे, क्या होंगे, पूरे के साथ मल्टीपल करेंगे नंबर ऑफ एटम्स के। तो यहां पर सोडियम टू एटम्स, सोडियम टू एटम्स, ओके। हाइड्रोजन टू एटम्स, हाइड्रोजन टू एटम्स, ओके। कार्बन टू, कार्बन टू। अब देखिए वन कार्बन वर्क हो गया, यानी कि दोनों कार्बन भी कंप्लीट। अब आपके पास बचते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, यहां पर थ्री एटम्स है तो थ्री टू जा सिक्स, ऑक्सीजन हमको इतना इधर कितना आना चाहिए, सिक्स आने चाहिए। तो आप देखिए कि ऑक्सीजन यहां थ्री टू फाइव वन सिक्स, यानी ऑक्सीजन भी बैलेंस, यानी कि टोटल एलिमेंट के एटम्स इक्वल हो गए, हमारा यह इक्वेशन बैलेंस, ठीक है। अब आगे चलते हैं इसको कि हमें वाशिंग सोडा के फॉर्मेशन के लिए क्या हमें चाहिए। तो वाशिंग सोडा के फॉर्मेशन के लिए हमें चाहिए सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट को लिया। अब यहां पर थर्ड स्टेप में जब हम लिखने के लिए चलेंगे, उससे पहले एक चीज को बताएंगे कि सोडियम कार्बोनेट इज ऑल्सो नोन एज सोडियम, नहीं सोडा वॉक्स, सोडा आस, सॉरी मैं आपको बता दूं कि सोडियम कार्बोनेट का जो दूसरा नाम होता है उसको बोला जाता है सोडा आस। तो यहां भी एक क्वेश्चन आपके पास आता है, क्या आता है कि आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो कॉमन नेम में हम क्या बताएंगे इसको, सोडा। फिर उसी तरीके से फिर मान लिया जाएगा कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ सोडा आस, तो यहां पर आपको क्या बताना होगा, सोडियम कार्बोनेट। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडा आस, तो आपके पास क्या होगा, Na2CO3, राइट। तो अब हम लोग थर्ड स्टेप में चले, तो यहां पर इस बात को लिखेंगे क्या कि सोडियम कार्बोनेट इज ऑल्सो नोन एज सोडा आस। थर्ड स्टेप में जाएंगे फिर कि सोडा आस इज इन द फॉर्म ऑफ एनहाइड्रस, ये क्या है, एनहाइड्रस। इसका नामकरण हम फिर आपको बताएंगे कि कब इसको चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या बोलेंगे इसको, एनहाइड्रस, यानी कि सेकेंड केमिकल नेम ऑफ सोडा आस इज एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलेंगे, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। तो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद वाटर देन दे प्रोड्यूस सोडियम, यानी कि डेकहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट इज इन द फॉर्म ऑफ वाशिंग सोडा। अब इसको हम बैलेंस कर दें, तो बैलेंस करने में आपको कुछ नहीं करना है, आप देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वल हैं। अब क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के लिए 10 डाल देंगे। अब आप यहां देख रहे हैं कि आपके पास वाशिंग सोडा प्रिपेयर, राइट। तो फिर अब हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलेंगे इसके प्रॉपर्टीज को लेके। थैंक यू।